जेपी सीमेंट कारखाने के प्रबंधक द्वारा श्रमिकों के दमन के खिलाफ 24 घंटे के सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे सीमेंट मजदूर एकता यूनियन इंजीनियर और एकता यूनियन इंजीनियर एंड फाउंड्री एकता यूनियन अध्यक्ष राम नरेश द्विवेदी द्वारा खास बातचीत। ये कोरोना की बात से ये सारी समस्याएं क्रिएट हुई हैं। कंपनी ने कोरोना काल में शुरू हुआ वो कंपनी ने लॉकडाउन किया, सरकार के जो गाइडलाइन थे उनके गाइडलाइन के तहत तरह लॉकडाउन किया। लॉकडाउन के बाद से जब से अनलॉक हुआ है तो जिस उद्देश्य से कंपनी को चलाने का सरकार के द्वारा आदेश मिला उस हिसाब से कंपनी ने अपना प्रबंधन प्लान चलाने की कोशिश करने लगा, पर उसमें 50% 50% 60% जो भी परसेंटेज हुए इनका परसेंटेज कभी नहीं बढ़ा। इनका परसेंटेज जब पूरा अनलॉक हुआ, अनलॉक के बाद जब हम लोग मैदान में आए, हम लोग यहाँ मांगने आते थे, तब इन्होंने देना शुरू किया। वो भी मजदूरों को 10-10 5-5 करके मजदूरों को लेना शुरू किया। मतलब इनकी जो मंशा थी वो ये मंशा थी कि लॉकडाउन के अंदर इनने अपने 50% मजदूरों के साथ में चला लिया, क्योंकि ऑटोमेशन प्लांट है, ये चलता है, ठीक है। तो अब इनकी जो मंशा है बदल गई है, बिगड़ गई है। अब ये चाहते हैं कि मेरा प्लांट जब 33% में चल रहा है तो मैं 100% क्यों हूँ। और इसी कार्यक्रम के मद्देनजर इन लोगों ने किसी भी कर्मचारी को, किसी भी मजदूर को काम पे लेना बंद कर दिया। तो मजदूर जब से अनलॉक हुआ तब से मजदूर अपनी प्रक्रिया पे आया कि भाई कितने दिन बंद रहेंगे। मजदूर है भूखों बनने लगा, 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद सबके कमरे के किराए खाने का सारी जो व्यवस्थाएं हैं जब बंद हो गई तो इनके पास आना शुरू किया कि नौकरी के लोग अनलॉक हो गया है, फिर भी इन्हें लेना जारी नहीं रखा। अच्छा, इसके पश्चात हम लोगों ने प्रशासन शासन से अपनी गुहार लगानी शुरू कर दी। तो हम लोग आज रीमा कलेक्टर के पास 5 बार जा चुके हैं। 5 बार जाने के बाद कलेक्टर महोदय ने थोड़ा सा हस्तक्षेप किया, तो हस्तक्षेप करने के बाद 200-400 मजदूरों को इनने अंदर भी लिया है, वो भी 2 महीने की 2 महीने में 10-10 5-5 करके मजदूरों को लिया है। आज भी मेरा 600-700 मजदूर बाहर बैठा हुआ है। इसके बाद हमने कमिश्नर साहब को भी दिया, कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिया, उनसे भी गुहार लगाया। हमने जो स्थानीय हमारे नेता थे, सांसद थे।